जैसे ही बारिशों का सीजन स्टार्ट होता है, यानी कि मॉनसून स्टार्ट होता है, रेनी सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है कि कभी भी हवा में ठंड बढ़ जाती है, कभी भी हवा में गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी स्किन भी कभी बहुत ही ज्यादा ऑयली सी, चिपचिपी सी हो जाती है, कभी बहुत ही ज्यादा ड्राई सी, डल सी हो जाती है। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क हो रही है, मतलब कि एक अलग ही तरह का कालापन आपको अपने चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। प्लस फंगल इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं बरसातों की सीजन में, इसीलिए हमें कोई एक ऐसा सेफ नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट चाहिए जिसे हम हमारे फेस पे अप्लाई करें तो हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करे। अगर हमारी स्किन ऑयली हो फिर भी हमें सूट करे, अगर हमारी स्किन ड्राई हो, डल हो फिर भी हमें सूट करे, प्लस बरसातों के सीजन के लिए कंफर्टेबल भी हो। ऐसा ही एक नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो आपके घर के किचन के फ्रिज के अंदर है, लेकिन आपको उस ब्यूटी इंग्रेडिएंट का फायदा नहीं पता है, इसीलिए आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, जो कि है दही यानी कि कर्ड। दही जो होता है इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, आपके स्किन पे जितनी भी कालेपन की लेयर है, रफ स्किन की लेयर है उसको रिमूव करेगा, साथ ही आपकी स्किन को मुलायम बनाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा, आपके चेहरे पे ब्राइटनेस लाएगा। अब आपके घर में आपकी स्किन के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद चीज कोई रखी है तो उसका फायदा तो आपको अपनी स्किन को जरूर देना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही से घर पे ही फेशियल करने का तरीका। ये दही फेशियल टोटल 2 स्टेप का ही रहने वाला है, बहुत ही सिंपल सा फेशियल है। हम इस दही फेशियल के अंदर जितनी भी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारी ही चीजें आपको आप ही के घर के किचन के अंदर मिलने वाली है, आपको कोई भी चीज बाजार में लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारी ही चीजें आपके पास अवेलेबल है। प्लस जो दही है इसका इस्तेमाल हम करने वाले है, इस दही फेशियल का रिजल्ट पार्लर के कोई महंगे फेशियल करते भी 2 गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। प्लस बहुत ही ज्यादा आसान सा फेशियल है, चलिए फटाफट से दही फेशियल स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो भी नेचुरल स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे ही वीडियोस आप तक पहुँच पाए, तभी तो आप वो स्किन केयर वीडियोस देखकर उसका फायदा उठाकर अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओगे और अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन अचीव कर पाओगे। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, दही फेशियल करने के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए होगी वो है ऑब्वियसली दही यानी कि कर्ड। दही आपको खट्टा लेना है, जितना खट्टा दही होगा उतना ही ज्यादा फायदा आपकी स्किन को मिलेगा, क्योंकि खट्टे दही के अंदर और भी ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए खट्टा दही इस्तेमाल कीजिए, फ्रीज में रखा हुआ ठंडा दही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी मिले, आपकी स्किन को एक ठंडक वाली इफेक्ट भी मिले। प्लस आपको गाढ़ा दही लेना है, बहुत ही ज्यादा पतला दही नहीं लेना है, गाढ़ा दही लीजिए। अगर आपके पास पतला दही है तो उस दही को छन्नी से छानकर फिर इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, दही फेशियल को स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी साबुन या फेस वॉश से अपना चेहरा अच्छे से धो लेना है, ताकि आपकी जो स्किन हो वो प्रॉपरली क्लीन हो, प्रॉपरली साफ हो। तो फेस वॉश करने के बाद दही फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम रेडी करने वाले हैं क्लींजिंग और स्क्रब दोनों इकट्ठा। फर्स्ट स्टेप करने के लिए पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है चीनी यानी कि सुगर। आप नॉर्मली अपने घर में कोई भी कॉफी चाय बनाने के लिए जो चीनी इस्तेमाल करते हो, जो सुगर इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से पार्टिकल्स में जो आती है वो चीनी आपको इस्तेमाल करनी है, आपको पाउडर सुगर इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इसे हम दही के साथ मिलाने वाले हैं। अगर आप पाउडर शुगर का इस्तेमाल करोगे तो वो दही के अंदर बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी, आपके स्किन की अच्छे से स्क्रबिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस तरीके की पार्टिकल्स वाली
जैसे आप कॉफी में चाय में इस्तेमाल करते हो वो वाली चीनी आपको ले लेनी है। तो ये एक चम्मच जितनी चीनी मैंने इधर ले ली है। इसके अंदर आपको एक चम्मच जितना दही मिला लेना है। तो ये एक चम्मच जितना दही मिला लीजिए। बस ये दो ही चीजें आपको चाहिए। हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरीके से हनी यानी कि शहद जो होता है वो आपकी स्किन को मुलायम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से चीनी जो होती है वो भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, मतलब कि आपकी स्किन को मुलायम बनाती है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। हनी का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया हमने क्योंकि हमें स्क्रबिंग भी करनी है। जब आप फेशियल में स्क्रबिंग करते हो तो आपके चेहरे पे जितनी रफ स्किन की लेयर होती है वो जिद्दी रफ स्किन की लेयर हट जाती है, प्लस आपके चेहरे पे ब्लैकहेड्स है, व्हाइटहेड्स है, तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं जब इस तरीके की पार्टिकल वाला स्क्रबिंग आप करते हो उससे। इसीलिए हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मैंने इसके आपको फायदे बताए हैं। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करके एक स्क्रब रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका दही का स्क्रब रेडी हो चुका है। अब इसे आपको अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है। इससे सर्कुलर मोशन में 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है। 3 मिनट तक मसाज कीजिए, अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। उसके बाद नॉर्मल सादे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। दही और चीनी का स्क्रब करते ही जब आप अपना चेहरा धोगे तो आपको अपने स्किन पे इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, इंस्टेंट ब्राइटनेस दिखेगी, आपकी स्किन इतनी ज्यादा डीपली क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपको अपनी स्किन जब आप टच करोगे तो बहुत ही ज्यादा मुलायम लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, साथ ही एक शाइनिंग भी आपके चेहरे पे आएगी। आपको लगेगा कि सेकंड स्टेप करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया ग्लो और ब्राइटनेस तो ऑलरेडी ये फर्स्ट स्टेप से ही आ गया है। लेकिन सेकंड स्टेप करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने स्क्रबिंग की है तो आपके स्किन पे जितने पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी, डस्ट, पॉल्यूशन फंस सकता है। इसीलिए उन पोर्स को श्रिंक करने के लिए दही का फेस पैक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लस दही फेशियल के फर्स्ट स्टेप के बाद आपके चेहरे पे जो ग्लो आया है उसे लॉक करने के लिए, ताकि लंबे टाइम तक आपके चेहरे पे ऐसा ही ग्लो बना रहे, इसे लॉक करने के लिए दही का फेस पैक लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप रेडी कर लेते हैं दही फेशियल के लिए। पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है बेसन। बेसन को लोग बहुत ही पुराने टाइम से, सालों साल पहले से इस्तेमाल करते हुए आए हैं, राजा रानियों के टाइम से इस्तेमाल करते हैं। जब कोई फेस वॉश साबुन नहीं था तब वो लोग अपनी स्किन को साफ करने के लिए बेसन का ही इस्तेमाल करते थे। बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए तो शादी में ब्राइड्स को जो उपटन लगता है, दुल्हन को जो उपटन लगता है, उसमें भी बेसन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कहा जाता है कि बेसन आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, यानी कि आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है। बेसन जो होता है ये आपकी स्किन टाइटनिंग में भी मदद करता है। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, एजिंग साइंस आने लगे हैं, आपकी स्किन ढीली होने लगी है, तो आपकी स्किन में कसाव लगेगा, मतलब आपकी स्किन टाइटनिंग करेगा। ये आपकी स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करता है, मतलब कि आपकी स्किन टोन को ब्राइट बनाएगा, व्हाइटन बनाएगा। साथ ही ये एक नेचुरल क्लींजर होता है जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी बेसन को बढ़िया माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको 2 चम्मच जितना दही ले लेना है, 1 चम्मच जितना बेसन मिला लेना है। को नेक्स्ट जो चीज मिलानी है वो है हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। तो बिल्कुल छोटी पिंच जितनी टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर आपको इसके अंदर मिला लेनी है। बिल्कुल भी ज्यादा मत मिलाइए, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मिलानी है, वरना आपके चेहरे पे येलो कलर आ सकता है जो आप नहीं चाहोगे। हो सके तो कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसके अंदर येलो कलर ऐड नहीं होता है। अगर आप किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हो तो बिल्कुल छोटी पिंच जितनी इस्तेमाल कीजिए। हल्दी जो होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। बरसातों के सीजन में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके स्किन पे लग सकते हैं। हल्दी एक बढ़िया एंटी बैक्टीरियल होता है जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है, आपके स्किन के बैक्टीरिया को भी ठीक करता है।
साथ ही जो हल्दी होती है ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होती है जो आपके स्किन टोन को ब्राइट करती है, आपकी स्किन व्हाइटनिंग का काम करती है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे है, पिंपल के निशान है, तो उन निशान को, इन दाग धब्बों को भी फेड करती है। अब तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये फेस पैक थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दही और मिला लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से क्रीमी सी होनी चाहिए। अब इस दही फेस पैक को आपको अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है। इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने दही का इस्तेमाल किया है। प्रॉपरली ड्राई नहीं होगा, प्रॉपरली नहीं सूखेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है। दही के अंदर मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली ड्राई नहीं होगा। 20 मिनट तक ऐसे ही इसे अपने फेस पे रहने दीजिए। 20 मिनट बाद ये सेमी ड्राई हो जाएगा, हल्का फुल्का सा सूख जाएगा, हल्का फुल्का सा ड्राई होगा। उसके बाद आपको अपने हाथों को गीला करना है और फिर अपने चेहरे की 1 मिनट तक मसाज करनी है। अपने चेहरे की 1 मिनट मसाज करने के बाद नॉर्मल सादे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। चेहरा धोते वक्त कोई भी साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपने दही फेशियल किया है जिसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के डीप लेयर तक पहुंचे हैं, उसको फायदा देने दीजिए। अगर आप साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल करोगे तो आपके चेहरे पे जितने भी गुड इंग्रेडिएंट्स हमने फेशियल में अप्लाई किए हैं वो भी साथ में धुल जाएंगे। इसीलिए साबुन फेस वॉश इस्तेमाल मत कीजिए, बस नॉर्मल सादे पानी से ही अपना चेहरा धो लीजिए। इस दही फेशियल के बस 2 ही स्टेप पे बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन 2 स्टेप करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको अपनी स्किन में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगा कि आपका फेवरेट बनने वाला है ये दही फेशियल। आप पार्लर के कोई महंगे फेशियल और ब्लीच को तो भूल ही जाओगे। ये फेशियल करने के बाद आपको कोई मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे पे इतना बढ़िया वाला ग्लो आएगा। क्योंकि मेकअप वैसे भी लोग क्यों यूज करते हैं, अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए, अपने पिंपल्स को छुपाने के लिए, या फिर स्किन बहुत ही ज्यादा काली सी हो जाती है, डल सी हो जाती है, तो चेहरे पे ब्राइटनेस लाने के लिए, चेहरे को थोड़ा सा वाइटन दिखाने के लिए, या फिर चेहरे पे ग्लो नहीं होता है तो चमक लाने के लिए, जो सारी ही चीजें ये दही फेशियल करने से आपकी ठीक होने वाली है। इसीलिए तो आपको कोई भी फाउंडेशन, सीसी क्रीम की, कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिए, चाहो तो आप आंखों में काजल लगा सकते हो और आपका काम डन हो जाएगा। बहुत ही प्रिटी आप लगोगे। तो जरूर से दही फेशियल को ट्राई कीजिए। महीने में 2 बार आप आराम से दही फेशियल कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो ट्राई करना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।